किस दुखिया पर दुख पड़ो किस पर टूटी घात, किस दुखिया की लाश पे किसकी रोवे मात। हाँ, लाश पे रोधन करे भारी और गैया सी डकराए कुमार की रोवे में तारी। और राजा हरिचंद के लिए विश्वामित्र ने जाता और जब आए थे तब क्या हुआ? अरे चैत महीना लगो गर्भ में काया में सोई, मैंने पालकियों पर बस्त बैठना छाया में पाई, गोप के पन में सुर रूठे राजपाट चल लियो लौट कर काशी में लूटे, परी फिर कर जा किर तंगी बिके नीच घर जाय भूप पे हुकुम करे भंगी, करम गत करे नहीं तारे वो राजा हरिचंद आज भंगिन के नीरो भरे, काट जा मरी गट मेरे डाली गैया सी डकराए कुमार की रोवे में।
भगवान ने कल्लू भंगी की यहाँ बेचे थे और रानी तारावती ब्राह्मण की यहाँ रोहतास कुमार ब्राह्मण की यहाँ बेचे थे। जिस समय उनका काम ये था कि मरघट में कोई लाश आए तो उससे टका ले लो और कफन लेके तब लाश चलाने दो। रोहतास का ये काम था कि मंदिर की सेवा करो, फूल तोड़ के बाग से लाओ। रानी का ये काम कि नीर गंगा जी से भरो और महलों में पहुंचाओ। जब फूल तोड़ने के लिए गया और उसके लिए नाग ने डस लिया देख देख के और लाश की सुत की लाश देखकर रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ना तो मेरे पास में कोई पैसा है ना कोई ऐसी वस्तु है जो मैं कफन मोड़ाऊं। भगवान, चलो मैं अपने पति महाराज के यहाँ ले जाऊं, क्योंकि वो मरघट में है और मरघट में जब ले जाऊंगी तो अपने सुख के लिए ठिकाने से लगा देंगे। और अरे सावन संकट पर भूपन कठिन पै जठानी, तुम कफन धरो उतारी आज तुम धर दो पटरानी, सारे हम कफन के भूखे एक टका के काज रात दिन मरघट में सूखे, भूप को रानी समझावे अपने सुत की बात कुमर ये रोज नहीं आवे, क्योंकि आधी साड़ी अपना ओढ़ ली और लाश लेकर पहुंची अपने पति के पास में। पति से कहने लगी, महाराज, मैं आपकी रानी हूँ और ये आपका सुत है, मैं आपकी रानी हूँ, तुम मेरे पत्ते हो। महाराज, मेरे पास टका नहीं है। तो वो कहने लगे, सुन, टका तो मैं तुझसे छोड़ूंगा नहीं, क्यों कि मैं कल्लू भंगी का यहाँ नौकर हूँ। पंडित
भक्त चौके परे तुम रही हो खुशियार नाथ कहीं तुम तन दौड़ पर भूख में डोले मत वाली कैया जी जतनाए तुम्हारे की हो लिए बोलवाए